نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन व हज़रात, मेरी बहनों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझना कि इनको बोर्ड जज जो तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त किया है, एक बड़ा बड़ा कदम है। और मैं समझना कि जदों इनको बोर्ड का कयाम या उसका वजूद उस वक्त जब उन्होंने बढ़ाई है, उस वक्त यह महसूस किया गया है कि इनको जुबान या दीगर जुबाना जवाल पजीर, तो इन्हों से कोई ऐसा फोरम बनाना चाहिए जड़ी इन जुबाना जिंदा रखे। और आज मनु ये देख के खुशी होती पी है कि इस तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के कार पाकिस्तान सी, पाकिस्तान के हर कोने सी, तो बाहर के मुल्क से आए लोग भी अज इस कार शरीक हैं। और हर जुबान चाहे वो किसी जगह पर बोली जाती है, इतने अज उन्हें लोग आके मुकाबले पर पढ़ दें। मैं समझना ये इनको बोर्ड जो है इन्हों की बड़ी बड़ी कामयाबी, और इन्होंने जितनी इन्हें तारीफ की जाए काम है। साढ़े ये जो इनको बोर्ड जो बनी है, तो उस वक्त मैं चूंकि खुद मैं इनको जुबान बोलने वाला आदमी हाँ, तो साढ़े कार्यकार इनको आस्ता आस्ता वो गैब होने शुरू हो गई, बच्चे उर्दू बोलने शुरू हो गए। अच्छा, फिर उर्दू सी, फिर अगे चल के इंग्लिश बोलने शुरू हो गए, तो आस्ता आस्ता ये जी जुबान ही ये लोगों के जहन तो मिटनी शुरू हो गई। लेकिन अलहमदुल्ला हूँ वो चीज़ वापस मुड़ के आती पी है, और साढ़े कार्यकार इनको जुबान उस तरीके आइंदा जिस तरीके ने ये सिलसिला चलता पे बोली जैसी, और इसी के कारण ही मैं समझना कि ये इनको बोर्ड ने अपना जो किरदार अदा किया है ये काबिले सताइश। दूसरा, मैं हूँ डॉक्टर अमजद साहब नाल बाहर खड़ा सा चाह पींदे पे सा, तो मैं कि यार तुम्हारे एक माहौल जरा बड़ा जबरदस्त एकेडेमिक, तो बड़ा उस तरह बड़े सारा बंदा सारे लोग सीरियस बैठे हैं, कोई हंसता नहीं पिया, सिर्फ सुनते पे थे, बड़े ऐसे गौर पर सुनते जिस तरह स्कूल के घर बच्चा उस्ताद को सुनता है कि इस सबक पढ़ते इस सबक पढ़ते, इस जगह थोड़ा जा मज़ा भी लेके आओ ताकि इस जगह लोगों की अट्रैक्शन या इसमें जी दिलचस्पी लोगों की ज़्यादा हो। हरगिज़ मतलब नहीं, मेरे कहने का हरगिज़ मकसद नहीं कि असी खराफात गल बोलना शुरू कर दिए। साढ़े शहर के घर अक्सर मसल एक बुजुर्ग आदमी एक बच्चे को कहता है खोते का पुत्र जा वो लैके आ, इसका मतलब नहीं होता उनको कहता तू खोते का पुत्र है, वो भाई एक टर्म है मुहब्बत दी कह लो, किस हवाले कह लो, उस हवाले से उसको कहते। तो मेरी ये अपना इन मुंतजमीन ये रिक्वेस्ट हो सी, ये दरखास्त हो सी कि तुसी कुछ ऐसे विचार चीज़ भी लैके आओ कि लोगों को थोड़ी चीज़ उसका दिलचस्पी महसूस हो। लोग कितनी दूर दूर से आए हैं, सुबह से आके बैठे हैं, पिछले तीन दिन असी कॉन्फ्रेंस चलती पी है। तो मेरी दुआ सी हमेशा कि खुदावन ताला जरा सिलसिला इनको बोर्ड ने शुरू किया है इनू खुदा कामयाब करे, तो इसनू इतनी तरक्की देवे। और ये जी अज जी कॉन्फ्रेंस है, मेरा ख्याल है मैं तीसरी जी कॉन्फ्रेंस है जिसके कार पहली दफ़ा ये हो रहा है कि बाकी जमाना भी विचकार आई हैं तो उसके कार शिरकत पे कर दें। इसी ये बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि लोग अगर खाली इनको दी गल की जाए तो बस जो इनको नहीं बोलते उन्होंने जहन एक शह पैदा होती है, तासब शायद पैदा होती है। अज इनको बोर्ड ने जो काम किया है, मैं समझना कि इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है कि सब जुबानों ने तो मधु किया है, और हर साढ़े दिल हर जुबान का इतना एहतराम है जितनी साड़ी अपनी इनको से वाखे नुदावाना।